आज के इस वीडियो में बताने वाले कि अगर आप 2020 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में मार्क कम आया है तो आप उस सब्जेक्ट की कॉपी जांच के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का पूरा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। किस तरह स्क्रूटनी के लिए फिर से कॉपी जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का है। या आप डायरेक्ट ब्राउजर में सर्च करेंगे biharboardonline.bihar.gov.in तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जिससे भी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पर देखिए न्यूज चल रहा है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है इंटरमीडिएट स्क्रूटनी 2020 के लिए आवेदन करें। तो जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे न्यूट ओपन हो जाएगी। न्यूट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर में दिया गया डियर स्टूडेंट योर पेमेंट स्टेटस विल बी अपडेट विद इन 48 hours, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट किया जाएगा 48 घंटे में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको परीक्षा का प्रकार को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे एनुअल इंटरमीडिएट, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दे देना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या, पंजीकरण संख्या, जो भी आपका एडमिट कार्ड पंजीकरण संख्या होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड आपको देना होगा जो कि एडमिट कार्ड पर होगा, उसके बाद रोल नंबर जो होगा वो देना होगा। इस तरह पूरा डिटेल देने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। चलिए मैं पूरा डिटेल दे चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन आईडी, जितना हमारा एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पे वो मिल चुका है, ये रजिस्टर हो चुका है, इसे सुरक्षित रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पे यहाँ बताया गया प्रथम बार अगर स्कूटरी के लिए आवेदन कर रहे थे न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो जो कि मैंने कर चुका, उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर पैनल से यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देंगे जो कि हमें यहाँ मिला है, तो इस एप्लीकेशन का उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो चलिए ये जो एप्लीकेशन आईडी इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जो मैंने लिखा वही देंगे, जैसे डेक्स वगैरह एडमिट कार्ड पे लिखा वैसे ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका एड्रेस पूरा फिलअप करना होगा और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड जो होगा वो देंगे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा उत्तर पुस्तिका का विषय के चयन, किस विषय में आप दोबारा जांच करवाना चाहते हैं उस विषय को यहाँ सेलेक्ट कर सकते, आप किसी से ज़्यादा भी विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर विषय में आपको 70 रुपये का चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे विषय को सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करने में क्या आपका ये जानकारी सही है, तो यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, यहाँ मैंने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 70 रुपये पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है आपको वो सब यहाँ पे शो कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे नो बटन पर क्लिक करेंगे, अगर पे नो बटन पर क्लिक करने किसी तरह का एरर आता है तो फिर से लॉगिन करके आपको फिर से पेमेंट करना होगा, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे पेमेंट मेथड, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको सभी पे अलग अलग चार्ज भी लगते हैं, जैसे अगर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 रुपये लगेंगे, अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ पे 23 रुपये के आसपास आपको चार्ज लग सकता है ट्रांजेक्शन चार्ज। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड का नंबर और नाम, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और सीवी नंबर देंगे, उसके बाद पेनों पे क्लिक करेंगे। पेनों पे क्लिक करें कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP भेजा गया, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे, OTP यहाँ इंटर कर चुके, उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है,
तो ये देख सकते हैं ये रिसिप्ट निकल चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ये रसीद ऐसे आप सक्सेस हो चुका है, इस रसीद को प्रिंट भी करके दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह का सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।